मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने इस इंडस्ट्री में 35 साल का वक्त बिताया है और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। प्रेम से लेकर टाइगर तक हर किरदार में उन्होंने न सिर्फ जान डाल दी बल्कि यादगार बना दिया। बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने शोहरत की बुलंदियां देखी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनके सितारे गर्दिश में आए थे और लगातार उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हो रही थी। तब साउथ के फिल्मों के सुपरस्टार ने सलमान को सहारा दिया और फिर से खुद को साबित करने का मौका लेकर आए। साल 2002 से 2007 तक का सलमान के करियर का वो दौर रहा जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। साल 2005 में रिलीज़ हुई फिल्म नो एंट्री के बाद सलमान की कई सारी फिल्में जैसे सुष्मिता सेन के साथ आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, ये है जलवा, गर्व, गौरव और सम्मान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। सलमान एक हिट के लिए तरस रहे थे, तभी साउथ के सुपरस्टार प्रभु देवा ने सलमान को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला लिया। बतौर डायरेक्टर प्रभु देवा फिल्म वांटेड लेकर आए। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ सलमान खान के करियर को संभाला बल्कि उनके करियर के लिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये फिल्म सुपर हिट रही और सलमान खान की इमेज एक एक्शन हीरो की बन गई। इसके बाद वो दबंग, बॉडीगार्ड और एक था टाइगर जैसे फिल्मों के साथ एक्शन हीरो के रूप में अपनी दमदार पहचान बनाए हुए हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।